इवनिंग ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0x2 पर। आज हम आप लोगों को स्पीकिंग क्लास के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लास विद हेड, मींस हेड के साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश स्पीकिंग रटने से नहीं आएगा, कितना आप सेंटेंस रटेंगे। तो कुछ ऐसा है आप करें, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाएं, कुछ ऐसा कि वाक्य आपको खुद बनाना आ जाए, ठीक है। इसी उद्देश्य से जो है हम आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग का एक एक महत्वपूर्ण जो आपके यूजेज हैं यहाँ से वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, जैसे ही पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्रेम से दिया है, इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्रेम से देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हैड का प्रयोग है, हैड का मतलब होता है कोई वस्तु अगर अपने पास होती है, ठीक, या रखना प्रतीत होता है, तो ऐसे में हम हैड का प्रयोग करते हैं। चाहे वो वस्तु अपने पास हो या किसी के पास हो तो हैड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पास टेंस में पास के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। अगर वह सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जैसा आप व्यवहार करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। और आज हम आपको पार्ट 3 पढ़ाएंगे। पार्ट 3 का मतलब होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कोई ये कहे कि क्या उसके पास घर था, इसका होगा हैड ही होम। क्या किसान की 2 पुत्रियां थी, हैड द फार्मर 2 डॉटर्स। तो कुछ ऐसे आप अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी लाएं, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो आप रटेंगे आज भूल जाएंगे, कल रटेंगे परसों भूल जाएंगे। तो कुछ ऐसा आप करें जो हमारे यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आपको बनाना आ जाए, सेंटेंस क्रिएट करना आ जाए। और जिस दिन ही आपको आ जाएगा उस दिन मैं बताऊं आपको इंग्लिश स्पीकिंग 100% आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कोई वस्तु अपने पास होती है या रखना प्रतीत होता है तो प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। ये कक्षाएं हम पढ़ा चुके हैं। आज हम जो हैड का प्रयोग है जो पास्ट टेंस में आता है, जिसमें पास था, पास थी, पास थे, ये सब आएंगे, तो उसके साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। बस दिमाग में कॉन्सेप्ट यही रख लीजिए कि अगर पास है रहता है तो हैज हैव का प्रयोग होता है, और पास था रहता है तो एक ही सहायक क्रिया होती है हैड, जो सबके साथ लगेगी, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, ठीक। वीडियो पर बने रहें और बहुत ही सलीके ढंग से आप देखिए कैसे आपको सेंटेंस बनाना आ जाता है। जैसे मैं देखो रूल आप देख लीजिए, ये आपका हेड है, सब्जेक्ट है, इसमें नॉट हमने लगाया, अगर रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अदर वाक्य है, ठीक। अब जैसे पहला सेंटेंस अगर मान लीजिए आपको बोलना है, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप कहें क्या तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था। अब यहां पर आप देख लो, अब इसको मान लीजिए आपको बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसमें आ गया पास था, और शुरू में क्या आ गया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने बताया है कि जब किसी भी वाक्य की शुरुआत कैसे होती है तो उसके लिए हम हैड का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सहायक क्रिया होती है सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार जो है पहले लग जाती है। तो चूंकि यहाँ पर सहायक क्रिया एक ही है, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो, सबके साथ लगाई जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, अगर ये सेंटेंस आपको बोलना है तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे हैड, ठीक। इसके बाद जो सब्जेक्ट है तुम्हारे, इसके लिए हो जाएगा यू। अब यहाँ पर देखो नॉट का प्रयोग किया गया, तो नॉट के लिए तुरंत यहाँ पर लगा देंगे नॉट, हैड यू नॉट। अब इसमें क्या दिया है, समय, समय को हो जाएगा टाइम, हैड यू नॉट टाइम। अब अदर वाक्य क्या दे दिया है, मेरे लिए, तो इसमें हो जाएगा फॉर मी, हो गया आपका। तो ऐसा है आप खुद अपने आप से बोले, ठीक है, प्रयास करें, सेंटेंस बनाएं,
कुछ ऐसा क्रिएटिवेट करें अपने आप तो खुद आपको बोलने आ जाएगा, नहीं तो इतने सेंटेंस है कितना आप याद कर लेंगे। याद करने से नहीं आता है, भाषा बोलने से आती है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है कोई दूसरी भाषा, जैसे मान लीजिए कि आपको तमिल नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पर लोग केवल तमिल हो, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनको सुनते सुनते भी आप क्या करने लगेंगे, तमिल बोलने लगेंगे। ठीक जैसे कि छोटा सा बच्चा है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां की परिवेश की भाषा मान लीजिए कि हिंदी है, तो ऑटोमेटिक उसको हिंदी सीख जाता है। अगर परिवेश की भाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी सीख जाता है, या उसकी परिवेश की भाषा अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश ही बोलना शुरू कर देता है। ठीक, तो वैसे ही आप क्या करें, सेंटेंस बनाएं, क्रिएट करें। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इसकी विशेष सुविधा यहाँ से प्रदान की जा रही है। देखिए अब इसका हो गया, हैड यू नॉट टाइम फॉर मी, सेंटेंस आपने बोल दिया, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था। अब कुछ और सेंटेंस मान लीजिए, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे क्या उसके बहुत दोस्त थे। अब यहां पर आप देख लो, क्या उसके बहुत दोस्त थे। अब मान लीजिए कि इस सेंटेंस को आपको बोलना है स्पीकिंग में, ठीक है, तो आप इसका सहारा लीजिए। ठीक, सेंटेंस का सहारा लीजिए, टेंस का सहारा लीजिए कि आखिर इसमें किसका प्रयोग है। ज्यादातर जो है आपको यूज मिलेंगे, यानी किसी भी सेंटेंस में ज्यादा अधिकतर आपको यूज का प्रयोग मिलता है स्पीकिंग में। तो यहाँ पर आप देख लो, क्या उसके पास बहुत दोस्त थे, मान लीजिए कि इसको आपको स्पीकिंग करना है तो आप क्या करेंगे, देखो उसके पास दोस्त थे, इसका मतलब है कि उसके पास दोस्त थे, यहाँ पास नहीं लिखा गया है, लेकिन पास होने का जो है भाव प्राप्त हो रहा है और पास टेंस में है, तो इसीलिए इसके प्रयोग करेंगे हम हैड का। तो हमने अभी बताया कि सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हैड उसके लिए लगा लेंगे ही। ठीक, अब इसमें ना आते हैं तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट देख लो क्या, बहुत दोस्त, तो दोस्त को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। और हमने बताया है आपको कि जब काउंटेबल नाउन होता है, मतलब जिसको गिना जा सकता है आसानी से, तो उसके लिए मेनी का प्रयोग करते हैं, और जो अनकाउंटेबल होता है, मतलब जिसको नहीं गिना जा सकता, उसके लिए बहुत के लिए मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत है, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, मेनी का। इसका हो गया हैड ही मेनी दोस्त हो जाएगा फ्रेंड, ये हो गया आपका हैड ही मेनी फ्रेंड्स, क्या उसके बहुत दोस्त थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या आपके पास, क्या आपके पास ज्ञान नहीं था। अब यहां पर मान लीजिए इसकी स्पीकिंग आपको करना है, ठीक, यहां पर देख लो पास था, पास ही आ गया। ठीक है, तो कितना भी आप उस पे सेंटेंस बनाएंगे आसानी से आप कर जाएंगे, क्योंकि एक बार चीज आपने पकड़ लिया तो उस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, उसको आप स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अपने आप से बोलना सीखे, जिस दिन अपने आप से बोलना सीख जाएंगे, क्रिएट करना जान जाएंगे सेंटेंस का, उस दिन आपको जो है स्पीकिंग करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, रटना बंद करिए, समझिए, समझ करके सेंटेंस आप क्रिएट करें, उसको बनाएं। अब यहाँ पर जैसे दिख रहा है, क्या उसके पास ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पर भी देखो, इसकी स्पीकिंग वाले जब आपको करना है, इसको अंग्रेजी बोलना है, तो यहाँ पर भी हो गया पास था, पास थी, ये भी हैड का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे हैड, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है आपका है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है इसके लिए हो जाएगा आपका यू, हैड यू। अब नहीं के लगा सकते हैं यहाँ पर नॉट। अब दिया है ऑब्जेक्ट में ज्ञान, हैड यू नॉट नॉलेज, ये हो गया आपका हैड यू नॉट नॉलेज, क्या आपके पास ज्ञान नहीं था, क्या आपको ज्ञान नहीं था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला।
क्या अध्यापक के पास छड़ी थी? अब मान लीजिए इसकी स्पीकिंग करना है आपको, ठीक, इसमें भी आ गया पास था पास थी, किसका प्रयोग हो गया? हैड का प्रयोग हो गया। अब जो है यहाँ पर दिया है अध्यापक, तो सबके लिए प्रयोग करेंगे किसका? हैड का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद जो सब्जेक्ट लिख देंगे हैड द टीचर, ठीक, नाटे नहीं लगाएंगे, स्टिक और स्टिक, ये हो गया हैड द टीचर स्टिक, क्या अध्यापक के पास छड़ी थी? ठीक, अगला, क्या राम के पास पढ़ने को किताब थी? अब यहां पर देख लो, क्या राम के पास पढ़ने को किताब थी, अगर इसकी स्पीकिंग करना है तो कैसे करेंगे? यहां पर दे दिया है, देख लो, इसमें वर्ब दे दिया है पढ़ने, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं, ठीक, तो इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा हैड राम, अब नारे नहीं लगाएंगे, यहां पर हो गया बुक, हैड राम अ बुक, अब यहां पर हो गया पढ़ने, तो पढ़ने की लगा देंगे टू रीड, यानी इसको बना देंगे हम क्या, इन्फिनेटिव बना देंगे, इसका हो गया हैड राम अ बुक टू रीड, क्या राम के पास पढ़ने को किताबें थी? ठीक, क्या उसके दो बहनें थी, हैड ही टू सिस्टर, ठीक, या क्या राजा के अनेकों दुश्मन थे, हैड द किंग मेनी इनिमीज, तो ऐसे आप सेंटेंस क्रिएट करना सीखे, रटना आप बंद करें, क्योंकि रटने से आपको स्पीकिंग नहीं आएगी, कितना आप रटेंगे, एलाट ऑफ सेंटेंस, बहुत से सेंटेंस है, उसको आप रटिए मत, अपने अंदर क्रिएटिविटी लाइए और सेंटेंस जो छोटे छोटे हैं उनको बनाइए, बनाना सीखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर एक जैसे हमने पॉजिटिव पढ़ाया है, नेगेटिव पढ़ाया है और आज आपको इंट्रोगेटिव मिला, इसके अगले वाले पार्ट में आपको मिलेगा कि डबल इंट्रोगेटिव में यानी कि हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, एक चीज और कहूंगा, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक करिए, लाइक ही आपका गुरु दक्षिणा समान है, समझ लीजिए कि एक लाइक ही आपकी गुरु दक्षिणा दे रहे हैं आप, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो वीडियो निकलता है सबसे बेहतरीन वीडियो निकलता है। अब बहुत आप सोचेंगे तब तक देर हो चुकी होगी, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया एकेडमी 0.2। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।